दोस्तों, WWE का फर्स्ट लैन PPV आज हमें देखने को मिला। ये वाकई में काफ़ी शानदार एपिसोड था और इस एपिसोड के दौरान हमें कम ही मैच देखने को मिले, लेकिन जो भी मैच हमने देखे वे बेहद ही शानदार थे। और इसी दौरान हमें रोमन रेंस की टीम दी ब्लड लाइन वर्सेज जॉन सीना एंड एलन नाइट के बीच एक टैग टीम मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले के दौरान हमने देखा था कि ये मुकाबला इस एपिसोड का मेन इवेंट नहीं था, लेकिन बेहद ही शानदार मुकाबला था। और इस मुकाबले के दौरान जॉन सीना एंड एलन नाइट की टीम है वह दी ब्लड लाइन पर भारी नज़र आती है और इस मुकाबले को जीत लेती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर दोनों ब्रदर्स जिमी उसो एंड सोलो सिकोवा की हार इस एपिसोड के दौरान, इस मुकाबले के दौरान क्यों हुई, इसके पीछे के रीज़न को जानने की हम कोशिश करेंगे। तो पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले प्रिडिक्शन करके बताया था कि जॉन सीना एंड एलन नाइट है इस मुकाबले में विन होने वाले हैं, और ठीक यहीं पर ऐसा देखने को मिला कि जॉन सीना एंड एलन नाइट की टीम है वे द ब्लड लाइन के अगेंस्ट जीत दर्ज कर लेती हैं। इसके पीछे का रीज़न हमने तब बताया था कि जॉन सीना इस वक्त पूरे WWE के लिए एक लीजेंड है और वे इस छोटे से मुकाबले को, जहाँ पर रोमन रेंस भी उनके अगेंस्ट नहीं है, हारने वाले नहीं हैं। और यहाँ पर ठीक ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जहाँ पर जॉन सीना इस मुकाबले को हारते नहीं हैं और वे जीत लेते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे कारण की, आखिर इस टीम की जीत क्यों हुई। जॉन सीना एंड एलन नाइट की टीम का जीत का दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि पोटेंशियली आने वाले वक्त में हमें रोमन रेंस एंड एलन नाइट के बीच की फ्यूड आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। और यहाँ पर एलन नाइट आने वाले किसी भी एपिसोड के दौरान रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते हैं। और इसी स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए इस मुकाबले के दौरान जॉन सीना एंड एलन नाइट के टीम की जीत हुई है, क्योंकि रोमन रेंस अपनी टीम की हार के बाद काफ़ी ज़्यादा खुन्नस में नज़र आने वाले हैं और इसी दौरान वे एलन नाइट पर अटैक कर सकते हैं और यहीं से रोमन रेंस एंड एलन नाइट के बीच की स्टोरी लाइन है वे आगे बढ़ सकती हैं। और इसी के चलते एलन नाइट रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते हैं और ये मुकाबला आने वाले किसी भी एपिसोड यानी कि क्राउन ज्वेल्स या फिर सर्वाइवर सीरीज के दौरान हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आपके क्या है ओपिनियन कि दी ब्लड लाइन की हार इस मुकाबले के दौरान क्यों हुई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।